हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल बॉडी पॉलिशिंग पैक बताऊंगी, जिसके यूज़ से आपकी बॉडी में, स्किन में जो भी टैन हो गया हो या फिर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल लग रही हो, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। एंड दिवाली आ रही है, इसे आप इस पैक को ज़रूर यूज़ करें। इससे आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लोई एंड फ्रेश लगेगी। सो वीडियो में जंप करते हैं, देखते हैं इसे किस। सो इसे बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है, जिसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन। बेसन सदियों से चला रहा है हमारे स्किन को लाइटन करने, एनहेंस करने में, एंड काफ़ी अच्छा वर्क करता है स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर। राइस फ्लावर बहुत ही अच्छी स्क्रबर का काम करता है, एक्सफोलिएट का काम करता है, स्किन को ब्राइट फेयर बनाने में हेल्प करता है। सो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी कमाल की है एंड घर पर आसानी से मौजूद रहती है। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून इतना टर्मरिक पाउडर। आप कस्तूरी टर्मरिक यूज़ करें, ये काफ़ी अच्छा होता है, नेचुरल टर्मरिक होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, काफ़ी अमेजिंग वर्क करता है, इन स्किन को लाइटन एंड एनहांस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करूँगी एंड यहाँ पर इसे मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर कच्चा दूध का इस्तेमाल करूँगी। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को लाइटन करने में, ब्राइट करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड ये एक फुल बॉडी वाइटनिंग पैक है। आप इस दिवाली इस पैक को शावर लेने से पहले 1/2 आवर पहले आप इसे अप्लाई कर लें एंड आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट फील होगी एंड काफ़ी ब्राइट लगेगी। एंड ये एक ब्राइडल उपटन भी है, अगर आप ब्राइडल बनने वाले हो तो आप इस पैक को ज़रूर यूज़ करें। ये स्किन को बहुत ही अच्छे से ग्लोई बनाता है एंड बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है एंड स्किन को वाइटन करता है। अगर आपकी स्किन में टैनिंग हो गई हो या फिर स्किन आपकी अनइवन हो, तो आप इस पैक को ज़रूर यूज़ करें। एंड मैं यहाँ पर आपको अपने हैंड पर इसे अप्लाई कर बता रही हूँ। आप इसे शावर लेने से पहले इस तरह से अप्लाई कर 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करें एंड 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। एंड 10 मिनट बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर ले, शावर ले ले, एंड उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा ले। वीक में 2 या 2 to 3 times इस पैक को यूज़ करें। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लगेगी। सो इसी तरह से आपको लगाना है एंड 10 मिनट रखना है। एंड आप देख सकते हो फर्स्ट यूज़ में ही मेरा हैंड जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, ब्राइट एंड वाइट लग रहा है। सो उसके बाद आप कौन सा भी अपनी पसंद का मॉइस्चराइज़र लगा लें एंड दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को हिट करें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।